हेलो हेलो आवाज आ रही है बच्चों हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एंड फन नीट क्लास तो फर्स्ट आ, मेरा ये पहला क्लास है नीट के क्लास में मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को आज का लेक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं आज से मेक अ नोट ऑफ इट कि आज से मैं आप लोगों को नीट एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट करवा रही हूँ और सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया है ताकि जैसे जैसे लोगों को और पता चलता जाएगा वैसे वैसे आप लोग इम्पोर्टेंट क्लासेस में और जुड़ते चले जाओगे सो एवरी वन आई विश अ वॉम वेलकम टू यू ऑल जितने लोग भी आए हुए हैं और जितने लोग नहीं आए हैं आप अपने अपने फ्रेंड्स को जाकर बोल दो दैट द क्लास इज ऑन और मैम आ चुकी हैं पता है बच्चे आ जाइए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड से अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही प्यारा छोटू मोटू सा चैप्टर है ये हेलो सैट गेमिंग फोर मिलियन वाईटी लकी सिंह प्राची वर्मा हेलो एवरीवन गुड इवनिंग बच्चों So, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज से स्टार्ट हो जाएगी नीट की रिवीजन फिर से मैं बोल रही हूँ बार बार बोल रही हूँ नीट की रिवीजन आज से स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी की 50% ऑफ़ ऑफ़ टोटल मार्क्स फ्रॉम बायोलॉजी तो आप लोगों का बायोलॉजी अगर बिल्कुल भी एकदम तंदुरुस्त हो गया ना चकाचक हो गया बिल्कुल तो फिर आपके 360 मार्क्स तो वैसे ही साइड में रखे रहेंगे फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना होगा बाकी बायो आप बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो रोज में एक घंटे दो घंटे तीन घंटे का मैराथन लेक्चर रिविजन सब कुछ करवाऊंगी एंड बाकी टाइम में आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री सही कर सकते हो हेलो हेलो मायरा स्टडी विथ मीम्स ओके आप मीम्स के साथ स्टडी करना पसंद करते हो नॉट बैड चलो तो लिविंग वर्ल्ड जो ये पहला चैप्टर है आपके क्लास इलेवेंथ के पोर्शन का इस चैप्टर से आपके एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल किसी साल नहीं भी आते हैं पर ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप एक बोनस मार्क्स अपने लिए मतलब साइड में रख सकते हो कि इसमें से तो कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है क्योंकि बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये इसको अगर अच्छे से कर लिया ना एक बार बस रिविजन करने की दे रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को एनसीआरटी लाइन बाय लाइन करवाकर उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगी तो आई गेस कि आज के बाद आपको इस चैप्टर की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज्यादा क्लियर ये हो चुका होगा यस मैम बायो मैंने आप आप पे ही छोड़ दी है यार बिल्कुल छोड़ ही दो मेरे पर बस हो जाएगा बायोलॉजी उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना एंड आप लोग आप लोग अपने अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करो बिकॉज फिर वो डिसाइड करता है ना बायोलॉजी के सारे बच्चे तो बायोलॉजी में अच्छे ही होते हैं तो नीट के एग्जाम में सब अच्छा परफॉर्म करते हैं थोड़ी बहुत डिफरेंसेस रैंकिंग में वहां पे आती है जो थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो हर बच्चा नहीं पढ़ता हर बच्चा वो टॉपिक टच नहीं करता पर कुछ बच्चे उसको क्लियर कर देते हैं तो उनका बायोलॉजी बिल्कुल सही हो जाता है बाकी जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से बायो वाले बच्चों के लिए टफ हो जाते हैं स्पेशली फिजिक्स तो उसपे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बाकी मैं तो आप लोगों का बायो संभाल ही लूंगी सो so, ये बताओ एक्साइटेड हो आप लोग आज से नीट के रिविजन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं बताओ हर एक क्लास आप करना चाहते हो हेलो ओके इस वाले चैनल पे भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं कितने लोग हैंट वे तनीश दिव्यांशी हेलो मोहित मोहित चौधरी हेलो हेलो एवरीवन ओके सो यहाँ पे दोनों ही चैनल्स में बच्चे आए हुए हैं मैं बता देती हूँ ट्वेल्थ एंड सीयूईटी वाले चैनल पर भी अभी मेरा ये लाइव सेशन चल रहा है नीट के चैनल पर भी चल रहा है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को अभी क्लियर नहीं है तो आप लोग दोनों ही चैनल सब्सक्राइब कर लो उस पे दोनों पे ही मैं लाइव आया जाया करूंगी एंड आप दोनों को आपको दोनों ही चैनल्स पे मेरे लाइव क्लासेस प्रोवाइडेड होंगी हेलो एवरीवन सो कोई भी दिक्कत है कोई भी कंफ्यूजन यहां तक है बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा फिलहाल हम बायो को पूरा अच्छे से हंड्रेड परसेंट क्लियर कर लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना किसी देरी के और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नीट के एग्जाम में जब इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसका जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से आएंगे ना आप उसको कर ही लोगे कर ही पाओगे क्योंकि इससे इजी कोई और चैप्टर है ही नहीं मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक और प्यारा नन्हा सा चैप्टर है तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना इसीलिए ए वन गो में ही इसको आज हम लोग फिनिश कर देंगे लाइन लाइन बाय आप लोगों का कवर करूंगी जहां जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं रेगुलरली पास्ट ईयर पास्ट फाइव ईयर्स के पेपर्स उठाकर देख लो जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे गए होंगे तो ध्यान से देखेगा आप लोग और हम लोग चलो आगे बढ़ते अरे ये क्या हो गया ओके um, okay. तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि कैसे हमारा जो वर्ल्ड है हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है कितना ज्यादा डेंस वाइवर्स है डाइवर्स है बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है एंड एवरीथिंग ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लार्ज वराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोगों को विजिबल तो हो रहा है ना ये जो लेटर्स लिखे हुए यहाँ पर एनसीआर को विजिबल है ना? Okay, so much, से भी आते हैं। बिल्कुल सही एक मिनट में इधर के बच्चों को भी थोड़ा देख लू इधर के बच्चे के आप बोल रहे हैं दूसरे चैनल से मैम प्लस वन वाले भी देख सकते हैं ऑफकोर्स आप लोगों का तो अभी अभी स्टार्ट हुआ अगर अभी आप नीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो दिस दिस इज़ इज़ द द टाइम टाइम हाई चलो सो so, uh, चीज़ यहां पर ये है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ही हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं डिस, uh, uh, मतलब डिस्कवर कर पाए हैं और इसके अलावा ये तो बहुत ज्यादा थिक पेन हो गया रुको इसको अभी मैं थोड़ा सा सही करती हूँ डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन ये बस आपके जानने के लिए इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे बट इंपॉर्टेंट है इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जस्ट इमेजिन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज इतनी सारे टाइप की स्पीशीज हमारे वर्ल्ड में है अभी अगर आपको बोला जाए कि कुछ स्पीशीज के नाम बताओ तो आप गिनती के बीस तीस मैक्स टू 40 स्पीशीज के नाम बता दोगे ठीक है लेकिन उससे ज्यादा नहीं बता पाओगे बट जस्ट इमेजिन वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन इज सच अज नंबर और उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं और द नंबर एंड टाइप्स और द नंबर एंड

अब इम्पॉर्टेंट चीजें यहां से स्टार्ट होती है देर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्मिकुलर ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमिन पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर से है दिस इज नॉमिनक्लेचर नॉमिनक्लेचर कुछ नहीं नामांकरण है आप जब पैदा हुए थे तो आपका एक पर्टिकुलर नाम रखा गया था ठीक है शुरुआत में जब आप छोटो से नन्हे मुन्ने से थे तो कुछ लोग आपको बाबू कुछ लोग बेबी बउआ ये वो सोना ये वो करके बुलाते होंगे प्यारे प्यारे पेट नेम से बुलाते होंगे लेकिन जब आपका एडमिशन हुआ होगा आपके स्कूल्स में स्पेशली जब आप टेंथ के बोर्ड्स दे रहे होंगे, तब जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है जिसके ज, जो नाम उस टाइम पर रखा गया वो कभी भी चेंज नहीं होता वो यूनिवर्सल हो जाता है आप हमेशा उसी नाम से ही हर जगह जाने जाते हो आपके स्कूल के रिकॉर्ड्स में सर्टिफिकेट्स में अवार्ड्स में आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे आप मान लो डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर दिस दिस नेम ठीक है तो वो आपका यूनिवर्सल नेम हो गया फिर आपका आधार कार्ड बना होगा आधार कार्ड में जो नाम है वो आपका यूनिवर्सल नेम हो गया बाकी घर वाले आपको कुछ भी सुना ब, ब, बोल देते होंगे जैसे कि मतलब ओ ना मोना टो, टोना चो ना कुछ भी ठीक है तो ऐसे करके आपके आपका एक, एक नाम ऐसा होना चाहिए जो आप पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो वही न्योमिन क्लेचर होता है और सारी स्पीशीज वर्ल्ड में जितने भी स्पीशीज है, सबका एक नेम है। जितने भी स्पीशीज़ स्पीशीज़ को कर दिया गया है अभी तक उन सारी स्पीशीज का एक यूनिक नेम है जिसे हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हैं अब उसे अब मान लो हमारे रीजन में मैंगो को हम हिंदी में आम बोलते हैं किसी और रीजन में कुछ और बोला जाता होगा मैंगो तो एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है ही लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका तो मैंगीफेरा इंडिका वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ वही नाम मैंगो के लिए एक्सेप्टेबल होगा बाकी दुनिया में अलग-अलगRegions अलग, -अलग में कोई चाहे किसी भी नाम से उसे बुलाए दैट डजंट मैटर ठीक है तो ये हो गया नोमेनक्लेचर

कहीं ना कहीं आपका नाम ही आपकी पहचान है तो उसी तरीके से जब किसी भी का जब किया जाता, उसका एक नाम रखा जाता है तो उसके नाम सुनकर ही हम पता लगा सके अच्छा ही इसका जीनस है मैंगी इसकी स्पीशीज है इंडिका ये इस फैमिली से बिलोंग करता है इस ऑर्डर पे बिलोंग करता है इस किंगडम पे फाइलम से बिलोंग करता है तो ये पूर, पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया उसकी पूरी जन्म कुंडली हम उसके नाम से निकाल सकते हैं दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गन ऑर्गेनिजम्स दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट्स

कि आपको कभी भी ये गलत नहीं करना आई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बोटानिकल नॉमिनक्लेचर ये एग्जाम में आता है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर आई सी ये हमेशा एग्जाम में आता है ये सब चीजें कभी भी आपको गलत गलत नहीं करना है अपनी एनसीआरटी खोलिए और वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए वहां पे आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा अब यहां से साइंटिफिक नेम आश्योर दैट इच एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म एक बार एक स्पीशीज का एक साइंटिफिक नेम रखा गया सेम नेम दूसरी किसी भी स्पीशीज का नहीं हो सकता यानी कि हर एक स्पीशीज का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है ठीक है हर एक स्पीशीज की एक यूनिक साइंटिफिक नेम होती है। फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स अब इस नेम में इस साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप हमेशा उसकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो उस स्पीशीज के बारे में जान सकते हो जो फर्स्ट नेम होता है उस साइंटिफिक नेम का दैट इज कि किस जीनस से वो बिलोंग करता है एंड जो सेकेंड नेम होता है दैट बिलोंग टू दैट स्पीशीज नेम ठीक है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि पहले नेम से हम जान सकते हैं कि वो किस जीनस को बिलोंग करता है और दूसरे सेकेंड नेम से हम जान सकते हैं कि वो कौन सी स्पीशीज है स्पीशीज जो होती है ना वो कभी भी दूसरी स्पीशीज के साथ कंसाइड नहीं करती यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज का जो सेकेंड uh, नेम है वो सेम नहीं होगा दो अलग अलग स्पीशीज का फर्स्ट नेम सेम हो सकता है सेकेंड नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती हैं है ना लेकिन स्पीशीज अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम नेम विद टू कंपोनेंट इज नोन एज बाइनोमियल अब आपका भी एक फर्स्ट होता है और लास्ट में सरनेम होता है अब उस सरनेम से हमारे में क्या होता है ना सरनेम बहुत लोगों के एक जैसे होते हैं पर जो फर्स्ट नेम है वो थोड़ा सा यूनिक होता है फिर भी यूनिक तो नहीं कह सकते एक ही नाम बहुत सारे लोगों का हो सकता है बट स्टिल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है यहाँ पे कॉमन जीनस होता है यानी कि फर्स्ट नेम और यूनिक जो है वो स्पीशीज नेम होता है यानी कि सेकेंड नेम होता है राइट बायोमियल वेरी गुड मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे या लेक्चर होगा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन भी लेकर आई ओके चलो आगे चलते हैं हम लोग सिस्टम को यानी कि किलमेचर को सबसे पहले किसने मतलब ये बायनॉमियल नॉमिक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले कैरोलस इस इस बात को ना बायनोमियल नॉमिक्लेचर एंड कैरोस लीनियस इस दोनों वर्ड को आप समझ लो कि आप गाठ बांध कर रख लो अपने दिमाग में घुसा लो बिल्कुल अच्छी तरह से क्योंकि कैरोस लीनियस का नाम आपको कभी नहीं भूलना ही वॉज द ओनली पर्सन हुचर जिसके वजह से आज हम पूरी दुनिया में हर एक स्पीशीज के एक आइडेंटिफिकेशन नेम को जान सकते हैं

फॉलोज अब देखते हैं कौन कौन से रूल्स है नॉमिन के आपको पता है क्या करना है आपको इन चारों रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि क्योंकि मैं बता दू आप लोगों को ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीन चार ऑप्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो बायोनचर को फॉलो करता है या फिर फॉलो नहीं करता है एक्सेप्शनल तो हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो भी इस टॉपिक पर बेस्ड है अबाउट द फोर रूल फोर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोनोमल नॉमिन तो सबसे पहला रूल है कि बायोनोमल नेम आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड

बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर क्या होता है आपका नाम है ना जिस तरह आपका नाम रखा गया वैसे ही हर एक स्पीशीज का नाम रखा जाता है उसे हम कहते हैं नॉमिनक्लेचर और जो नाम रखा जाता है वो हमेशा दो नाम होते हैं फर्स्ट नेम होता है उसका जीनस और सेकेंड नेम होता है उसकी स्पीशीज जो उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन करना तो यही है बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर और बाइनोमियल कैरोलस लीनियस ने दिया था सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम द जीनस द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट जो तब से मैं बोले जा रही हूँ कि नॉमिनक्लेचर में जो दो नाम होते हैं फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम उसमें फर्स्ट नेम होता है जीनस और सेकेंड नेम होती है स्पीशीज अब जीनस जो है वो एक कॉमन हायर है एक कॉमन रैंक है टेक्सोनॉमी में अभी मैं टेक्सोनॉमी पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा एक रैंक है बहुत सारी स्पीशीज एक जीनस के अंदर आ सकती है लेकिन स्पीशीज का जो नाम है यानी कि सेकेंड नेम जो है वो हमेशा यूनिक होगा यूनिवर्सल होगा द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन अब देखो अगर आप अपने नोटबुक में किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हो तो हमेशा आपको उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूं मैंगीफेरा इंडिका मैंगी फेरा इंडिका ठीक है लिख दिया मैंने अब मुझे ऐसे के अंडरलाइन नहीं करना मैं ऐसे अंडरलाइन करूंगी ये सही तरीका होता है किसी भी साइंटिफिक नेम को खुद से हैंड लिखने का ठीक है और जब आप प्रिंट करते हो तो आपको अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है सिंपली आपको उसे आइटालिज कर देना होगा दैट इट और वो एक साइंटिफिक नेम को डिनोट करता है दैट इज द राइट वे टू लाइक राइट और प्रिंट इट उससे ज्यादा कोई वो नहीं है uh, ये तो थर्ड था, हो गया फोर्थ इज द द फर्स्ट द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट एक सेकेंड में इसको ना थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जीनस स्टार्ट विदिटल लेटर वाई द स्पेसिफिक एपिथेड स्टार्ट विदॉल लेटर इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद्जाम्पल ऑफ मैंगी फेरा इंडिका यहां पर देखो ध्यान से मैंगी फेरा इंडिका लिखा हुआ है एम जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा लेकिन जो सेकेंड नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा हम जैसे अपना नाम लिखते हैं वैसा नहीं होता इसमें यहाँ पे नॉर्मली जैसे आप कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग लिखते हो तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो और उसके बाद से सब स्मॉल लेटर्स में दैट्स इट बहुत ही सिंपल वे है कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सल रूल नहीं है ऐसा कि बिल्कुल भी ना हो पाए किसी से बहुत सिंपल से चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड विल बी रिप्रेजेंटिंग जीनस सेकंड वर्ड विल बी रिप्रेजेंटिंग स्पीशीज उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको आप uh, मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का साइंटिफिक नेम होगा उसे आप लेटर में लिखोगे इटैलाइज्ड ital, uh, करके लिखोगे और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा और मैंगी इंडिका जैसे कि फोर्थ रूल में यह लिखा गया है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा में और जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में वेरी इजी इसमें कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है एक बार बता दो आप लोग फटाफट से कहीं पर भी यहाँ तक के टॉपिक में किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है कहीं पर भी कोई दिक्कत है बच्चों मैम अगर पेड बैच लिया है तो ये करना जरूरी है क्या करना जरूरी है ये तो सबके लिए बच्चों पेड बैच और फ्री वाले सबके लिए आ, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो वैसे मैं पेड बैच वालों को तो सेपरेटली हर एक चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करके पढ़ाऊंगी पर क्योंकि अभी पेड बैच के क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं तो जितने भी बच्चों को मैं अभी YouTube पे पढ़ा रही हूँ पेट बैच वाले भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है चलो यहां तक हो गया अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो देखेंगे वो देखेंगे क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन कहते किस चीज को है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम इट इज ने टू डि टू मेक इट पॉसिबल दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन

टीचर्स को यह समझ में आ जाता है कि इधर की जो क्लासेस है ये जूनियर क्लासेस है इधर मिडिल स्कूल क्लासेस है उधर हायर सेकेंडरी हायर क्लासेस ना, तो उसी तरह से दुनिया में जो इतने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, उसे हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे हम पूरे 18 लाख लोगों को तो मतलब 18 लाख स्पीशीज को तो हम पढ़ नहीं सकते उनके बारे में समझ नहीं सकते तो सिंपल सी बात ये है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आप एक बेसिक क्राइटेरिया में अलग-अलग स्पीशीज -अलग को क्लासिफाई कर देते हो आप बोलते हो ये ट्रीज है ये एनिमल्स है एनिमल सारे ऐसे ही होते ट्रीज सारे ऐसे ही होते हैं भले आपको उन सारे ट्रीज प्लांट्स के बारे में नहीं पता हो पर आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स बिल्कुल अलग दिखते हैं एक दूसरे से तो आप एक अपने मन में एक बेसिक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बना देते हो कि ये दोनों तरह के जो स्पीशीज हैं वो तो अलग है भले उसके अंदर हजारों लाखों स्पीशीज हो भले एनिमल्स में हजारों लाखों स्पीशीज हो दैट ड मैटर उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना जानने की जरूरत नहीं है पर आपको इतना पता है कि प्लांट्स अलग है एनिमल्स अलग है दोनों कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेबल नहीं होंगे ये क्लासिफिकेशन तो आपने खुद कर लिया पर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे और भी हायर सिस्टम्स होते हैं क्लासिफिकेशन करने के यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में स्पीशीज को बांटने के लिए तो इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन वी इजिली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स कैट्स और इन्सेक्ट द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद द द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप इमेज डू यू सी वेन यू थिंक ऑफ अ डॉग कौन तो कैसा इमेज आपको समझ में आता है डॉग के बारे में उसके चार पैर होंगे हैव अ टेल ठीक है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है अब आप एक कैट को देखोगे उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके दिमाग में बन जाएगी क्या आप कभी भी उन दोनों को आपस में रिलेट करोगे नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता है दोनों अलग अलग हैं ठीक है वो एनिमल्स में ही दोनों आते हैं दोनों अलग अलग हैं यानी कि जीनस अलग होगी स्पीशीज अलग होगा या फिर कुछ तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट होगा है ना भले वो एक ही कॉमन किंगडम के अंदर आते में ही वो आते हो हो किंगडम में वो पर कुछ तो कहीं पर तो जाकर वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो जहां पर भी वो सेपरेट हो रहे हैं वहां पे क्लासिफिकेशन अलग अलग होती चली जा रही है वहां पे रैंक अलग अलग होती चली जा रही है है ना तो ये होता है क्लासिफिकेशन अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो hmm, हा ये देखो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज नोन एज टैक्सा द साइंटिफिक नेम ऑफ दीज कैटेगरीज इज नोन एज टैक्सा टैक्सा क्या होता है अलग अलग कैटेगरीज में जब हम अलग अलग स्पीशीज को रखते हैं तो वो हर एक कैटेगरी एक टैक्सा रिप्रेजेंट करती है अब टैक्सा को बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को समझाती हूँ अभी टैक्सा समझ लो रैंक है ठीक है एक क्लास है एक क्लास में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया तो एक टॉपर होगा जिसका फर्स्ट रैंक आएगा वो सबसे ऊपर होगा सेकेंड रैंक वाला नीचे होगा हो सकता है दो बच्चों के सिमिलर मार्क्स आए सेम मार्क्स आए और दोनों ही थर्ड रैंक के अंदर आ रहे हैं तो दोनों थर्ड रैंक में आएंगे इस तरह से अलग-अलग कैटेगरीज में जब हम एक रैंक में रखते हैं लोगों को तो वो होता है टैक्सा हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टेरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं किसी भी स्पीशीज को देख लो हमें देख लो मान लो हम ह्यूमंस हैं सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हम प्लांट्स तो नहीं है तो प्लांट किंगडम में तो हम नहीं जाएंगे हम जाएंगे एनिमल किंगडम में हम है तो एनिमल अब उसके बाद आप सोचोगे कि ये कौन से फाइलम में को बिलोंग करते हैं तो ये फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं क्योंकि हमारे पास नोटोफॉर्ड होता है देखो कहीं ना कहीं से नाम जो है वो हमारे ही खुद के कैरेक्टरिस्टिक के साथ सिमिलर होती है दैट इज वाई हमें उस पर्टिकुलर फाइलम में फैमिली में ग्रुप में ऑर्डर में क्लास में जीनस में रखा गया कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारी उन सब नामों के साथ एसोसिएटेड होती है और इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन जैसे कि मैं अगर अपनी पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बता दू पूरा टैक्सोनॉमी अगर अपना बता दू कि मैं किस किंगडम uh, में किस फाइलम में किस ऑर्डर में किस जीनस में किस स्पीशीज में बिलोंग करती हूँ तो इससे आपको मेरा आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसी दिखने वाली जो स्पीशीज होती है वो यहां यहां पर बिलोंग करती है अलग अलग टैक्सा उनका पता चल जाता है ठीक है तो ये हो गया टैक्सोनॉमी अब देखते हैं Hence the करते कैरेक्टराइजेशन यानी कि क्या कि इस स्पीशीज के दो आंख है एक नाक है दो ईयर्स है एक माउथ है दो हाथ है दो पैर है ऐसे बाल है ठीक है एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन फिर आईडेंटिफिकेशन हम, उस, उस आइडेंटिफिकेशन हमने नाम ले लिया कहीं पर भी तो हम कैसे उसको करेंगे कि वो कहां पे करता है तो पूरा उसका क्लासिफिकेशन, कहाँ पे किस किस टैक्सा में वो बिलोंग कर रहा है नॉमिन उस स्पीशीज का नाम क्या है होमोसेपियो तो नॉमिन ये सारे प्रोसेसेस टैक्सोनॉमी के ही बेसिक अलग-अलग प्रोसेसेस में आता है ये सब कुछ टैक्सोनॉमी है ठीक यहां तक तो समझ में आ गया और एक और इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन बीइंग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफरड टू ए the the word word is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of राइट और, uh, right? और इसमें उसने क्या किया था द स्कोपैटिक्स लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कैसे शुरुआत से आ, सारे अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और कैसे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में वो आते गए आते गए और वो उनका एक बेसिक नोमेनक्लेचर रखा गया है उनका एक बेसिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रखा गया ठीक है कहीं पर भी कोई दिक्कत है बच्चों तो क्वेश्चंस पूछ लेना इसके क्वेश्चंस अभी मैं Uh, करवाती आप, फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे चलो, क्या होती है कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट उसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हर एक कैटेगरी रिफर करती है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हर एक हायर यानी कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीशीज हर एक हायर क्या डिनोट करती है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जो बेसिक है वो क्या होगा स्पीशीज होगा क्योंकि स्पीशीज के आगे कोई एक ऐसी क्लासिफिकेशन करने की हर नहीं होती करता है group of organism जो करते हैं कुछ common features, जैसे कि three pairs of jointed legs. तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखोगे जिसके थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स हैं तो आप बोलोगे कि ये एक इंसेक्ट है ठीक है अब इंसेक्ट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा फैमिली होगा जीनस होगा है ना

किसी भी स्पीशीज का नाम रखा गया बायोनोमल नॉमिनफ्लेचर उसको कह दिया नॉमिनफ्लेचर उस नाम से हम उसकी पहचान निकलवा सकते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी जीनस का है ही किसी न किसी ऑर्डर का किसी न किसी फैमिली का है ही तो उस पहचान को हम कह देते हैं आइडेंटिफिकेशन अब वो हर ऑर्गेनिज्म हर एक स्पीशीज किसी ना किसी एक डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में कहीं ना कहीं से क्लासीफाई किया गया है तो उसी, classification. Classification तो उसी को हम कह देते हैं क्लासिफिकेशन अब क्लासिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर उसकी टैक्सोनॉमी के बाद जो सबसे ज्यादा हम कोई भी चीज देखते हैं कि अच्छा इसका रैंक ये है इसका ऑर्डर ये है इसका स्पीशीज ये है उसी को हम कह देते हैं टैक्सोन और रैंक, टेक्सॉन बहुत ही बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक यहां तक समझ में आ गया कहीं पर भी कोई दिक्कत बच्चों कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट uh, है तो बताइए जल्दी बताओ जल्दी बताओ कोई भी दिक्कत है तो बताओ ओके लैटिन और आइटालिक्स क्या होता है मैम ये नैंसी मेरे से पूछ रही है तो लैटिन जो है इट इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज ठीक है इट इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज उस लैंग्वेज में लिखा जाता है और आइटेलिक्स आपने देखा होगा प्रिंटेड फॉर्म में कोई लेटर जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड टेढ़ा सा लिखा हुआ होता है बाकी सारे सीधे सीधे लिखे होते हैं तो वो जो अरेंजमेंट होता है ना लिखने का उसी को फॉर्ट फॉर्ट तो नहीं कह सकते एक फॉर्मैट होता है लिखने का उसी को हम आइटेलिक्स कहते हैं बहुत बेसिक चीज है बच्चों इतना तो पता होगा चलो यहां तक हो गया चलो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि स्पीशीज होती क्या है सो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस लेटेस्ट कंसिडर मैंगी पेरेंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथरा लियो ध्यान से ये तीनों नाम पढ़ना पता है एनसीआरटी में जितने भी साइंटिफिक नेम्स दिए गए ना उन नेम्स के बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी नाम को आप बिल्कुल भी uh, नजरअंदाज मत करो इग्नोर मत करो देखो मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है साइंटिफिक नेम मैंगो का हमेशा याद रखना सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा है ना कि क्या लिखा है कुछ और नेम है, हाँ। है? पटेटो का पैंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है लाइन का अब यहां पर देखो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम और लियो जो सेकेंड नेम है तीनों के ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज की ये इस स्पीशीज का है

उससे ज्यादा आप उस स्पीशीज को क्लासीफाई नहीं कर सकते अलग अलग कैटेगरी में वो लास्ट कैटेगरी होती है क्लासीफाई करने की उसके जस्ट ऊपर वाला जो रैंक होता है यानी कि जीनस उस जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज के नाम हो सकते हैं लेकिन जीनस एक रहेगा इसका क्या मतलब होगा कि उस जीनस के अंदर जितनी स्पीशीज हैं उनमें कुछ ना कुछ आपस में सिमिलैरिटीज होगी आपस में सिमिलैरिटीज होगी मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होगी ठीक है समझ में आया कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बताओ चलो Human beings belonging to the species, एक second, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती साइज में। सामो साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन Homo sapiens. होमो हो गया जीनस और सेपियंस हमारा स्पीशीज नेम है इसी तरह से जीनस के ऊपर भी कैटेगरीज होती है, है ना चलो जीनस के बारे में आ, अब देखते हैं अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जाम में आ, 2016 में पूछा गया था कि आ, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इनमें से कौन कौन से हैं ठीक है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था जीनस फैमिली ऑर्डर फाइलम ऐसा करके मतलब डिफर भी हो कर सकता है मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है सारे ऑप्शन ऐसा मान लो चार ऑप्शन था तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते स्पीशीज जो होंगे वो किसके अंडर आएंगे कौन से रैंक के अंडर आएंगे जीनस के अंडर आएंगे ग्रुप ऑफ़ क्लोज़ली रिलेटेड जीनस अब जीनस के बाद वाला जो रैंक होगा यानी कि फैमिली वो फैमिली के अंदर आएंगे मतलब जैसे ही जैसे आपसे पूछा जा रहा है ना क्लोजली रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड उसके ऊपर के रैंक के बारे में आप उसका नाम लिख दोगे सिंपल सी बात है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मुझे तो समझ नहीं आता कि बच्चे कैसे इसको गलत कर देते हैं तो यहाँ पे सीधा ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना जीनस के बारे में यही उठा के दे देगा आपको एनसीआर सेम लाइन दे दे देगा दे 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 आप लोगों को क्वेश्चन में और चार ऑप्शन दे दे इस हो सकता है क्या जीनस क्रम अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा अब मान लो पैंथरा पैंथरा करके जीनस है पैंथरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम और पैंथरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम टिग्रिस और लियो दो अलग अलग स्पीशीज है लेकिन लायन और टाइगर को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा ना कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा आपस में सिमिलर हैं, क्लोजली रिलेटेड होंगे आपस में रिश्तेदार टाइप के होंगे है ना तो क्लोजली रिलेटेड जो है वो किसके अंदर आ रहा है जीनस के अंदर आ रहा है दोनों का ही जीनस नेम सेम है पैंथरा वो पैंथरा के ही अंदर दोनों वो स्पीशीज आ रही है अब अब मान लो होमो ले लो होमो सेपियंस हमारा जीनस नेम है ना होमो से थोड़ा सा भी मैच नहीं करेगा टिग्रेस या फिर लियो स्पीशीज उन दोनों का क्योंकि पैंथरा से रिलेटेड है ना वो दोनों होमो से तो रिलेटेड है ही नहीं होमो से तो रिलेटेड सेपियंस है इसी 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 चीज को बहुत ही ज्यादा क्लियरली समझना पड़ेगा कंफ्यूजन हो जाती है अब क्लियर हो गया लक्षिता एवरीथिंग इज क्लियर नाउ बच्चे अब दिक्कत है तो बताइए ठीक है अब दिक्कत हो तो बताना इसी तरह सेम चीज है फैमिली देखो example, यहां पे जीनस के बारे में देखो पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग तो टू दिस जीनस सोलेनम सोलेनम ठीक है दोनों ही सोलेनम के अंदर आते हैं लेकिन पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो दोनों अलग अलग, अलग स्पीशीज है वो तो हमें पता है पर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं दोनों में ठीक है उनकी ओरिजिन की सिमिलैरिटीज हैं दोनों में लायन देखो पैंथरा लियो लिपर्ड पैंथरा पार्डस एंड टाइगर पैंथरा टिग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स लायन टाइगर और लिपर्ड तीनों में आप बहुत सिमिलैरिटीज देखोगे लगेगा कि यार ये लोग लग रहा है मोसेरे चचेरे भाई बहन है ऐसा लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि उन सिमिलैरिटीज का रीजन ही ये है कि वो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं राइट right? चलो विथ सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल आर ऑल स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथरा दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट कैट के फैमिली में जितने भी अलग अलग स्पीशीज आती हैं वो सारे उन सब का जो जीनस का नाम है वो है फेलिस फेलिस डोमेस्टिका ठीक है फेलिस uh, अलग अलग करके स्पीशीज के नेम है वो कैट फैमिलीज में आती है तो आपको लग लग जाएगा उन सबको देख कर कि ये सारे जो स्पीशीज है ना ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है अब आ जाते हैं फैमिली में कि फैमिली क्या होती है ये जीनस के ऊपर का लेवल होता है ऊपर की कैटेगरी होती है कोई पूछे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस तो आप बोलोगे फैमिली एक ही फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस क्लासिफाई हो गए

आ आ जाएंगे ना से जितने भी scientific name होंगे उसकी family के नाम में A. C., A. C., A. C. आ जाएगा ठीक है तो यहां लास्ट में एसी एसी करके नाम आ जाएगा तो समझ में आपको आ ही जाएगा कि ये फैमिली नेम है राइट अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलेनम पिटूनिया एंड धतूरा

फेली डे फैमिली है उसके अंदर जो जीनस है वो फेलिस भी आते हैं पैंथरा भी आते हैं दोनों आ जाते हैं सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज फेली डे एंड कैनिडे रेस्पेक्टिवली अब कैट और डॉग में जो मेजर आप डिफरेंस देखते हो वो अलग अलग फैमिलीज के वजह से है पर जो सिमिलैरिटीज देखते हो वो किसके वजह से है वो ऑर्डर की वजह से उन दोनों का ऑर्डर सेम है पर फैमिली अलग है इसलिए डिफरेंस नजर आता है और जो सिमिलैरिटीज नजर आती है वो ऑर्डर सेम होने की वजह से नजर आती है मैम थ्री एन सी फोर साइकिल डिफरेंस बता दो एक बार थ्री एन सी फोर साइकिल तो तब मैं बताऊंगी ना जब हम लोग प्लांट एनाटमी पढ़ रहे होंगे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे प्लांट किंगडम खत्म हो जाने दो फिर मैं प्लांट फिजियोलॉजी में सब एक एक टॉपिक में क्लियर करूंगी आप लोगों को डोंट वरी अबाउट दैट आज ये वाला चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर पे फोकस कीजिए ऑर्डर सेम एज द जीनस यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी फिर से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ ऑर्डर जो है ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होंगे ये याद रखना हो सकता है एक ही ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज हैं

बहुत सारे ऑर्डर क्लास के अंदर आते हैं और बहुत सारे क्लास फाइलम के अंदर आते हैं देखो फाइलम के फाइलम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हाई कैटेगरी कॉल्ड फाइलम हमारे फाइलम में यानी कि हम हम जिस फाइलम में बिलोंग करते हैं ना उस फाइलम में स्नेक्स भी आ जाते हैं Lizards भी आ जाते हैं फिशेज भी आ जाते हैं कैट्स डॉग्स एलिफेंट्स गोरिल्लास सब आ जाते हैं यानी कि बहुत हायर रैंक हो गया अब हम हम इतने जितने भी नाम मैंने बताए उन सब में आपको थोड़ा सा भी कॉमन फीचर लग रहा है नहीं लग रहा है लेकिन जब एम्ब्रियोनिक लेवल पे आप जाओगे जब आप बहुत ही बेसिक लेवल पे जाओगे तब तो आप पढ़ोगे कि कुछ सिमिलैरिटीज हम सब में एक जैसी होती है दैट इज बाय हम सब एक ही फाइलम के अंदर बिलोंग करते हैं अब देखो हाँ अब देखिए, दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटो एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडेटा जितने भी फ़ाइलम के अंदर जितने भी स्पीशीज आ रहे हैं, उन सबका एक बेसिक कॉमन कैरेक्टर होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ नोटो कॉर्ड नोटो कॉर्ड उसी वर्ड से कॉर्डेटा फाइलम का कॉर्डेटा का नाम रखा गया ठीक है केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद्यू सिमिलर कैरेक्टर आर साथ असाइन टू अर कैटेगरी कॉर्ड डिविजन किस प्लांट आ, फैम, मतलब प्लांट की कैटेगरी में ना एक डिविजन भी आ, एड़, एड़ हो जाती है जबकि एनिमल्स में कोई डिविजन नहीं होता ये आप याद रखना थोड़ा सा आपको कुछ चीजें हमेशा याद रखनी होंगी कितना भी मैं आपको घोल के पिला दू अल्टीमेटली आपको ही सारी चीजें याद रखनी है सो so, यहाँ पे देख लो मैम प्लीज टेल मी इसकी पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल मिलेगी सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी इनफैक्ट जब आप ऐप पे जाओगे साइंस एंड फन के ऐप पे जाना वहां पे ऊपर क्लास में ना नीट की कैटेगरी से, सेलेक्ट करना जैसे ही नीट आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपको मेरे लेक्चर के साथ साथ एक प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा वो मैं एक दो दिन में अपलोड करा दूंगी तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगी वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है खुद से अब आ जाते हैं हाईएस्ट रैंक पे जो सबसे

किंगडम के बाद आता है फाइलम या डिवीजन फाइलम होता है एनिमल्स के लिए डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए फिर डिवीजन या फाइलम के बाद आता है क्लास class. क्लासेस में भी डिवीजन होते हैं ऑर्डर्स ऑर्डर्स में भी डिवीजन होते हैं फैमिली फैमिली में भी डिवीजन होता है जीनस और सबसे जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की जिसके बाद कोई फर्दर uh, डिवीजन नहीं है कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है दैट इज स्पीशीज सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो फिगर में दिया हुआ है, सेम चीज ठीक है लुक एट दी फिगर वन पॉइंट वन कैन यू टी कॉल द बेसिस ऑफ अरेन्जमेंट ये ऑफकोर्स क्योंकि हमने अभी अभी देखा अब देखो ये जो चार स्पीशीज है ना जो स्टेबल में दिए हुए हैं इसको याद कर लो इसको अच्छे तरीके से याद कर लो मैच फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मैन सामने दिया होगा बहुत सारा फैमिली का नाम और आपको मैन की फैमिली आइडेंटिफाई uh, करनी होगी आपको व्हीट की फैमिली मैच करनी होगी आपको मैंगो की फैमिली मैच करनी होगी ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सोचो so, इतने में ही कम से कम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एट क्वेश्चन इतने में बन सकते हैं कॉम्बिनेशन लगाकर एट से भी ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये हमेशा याद रखो मैन मैन का साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम किस जीनस को बिलोंग करता है होमो फैमिली होमिनिडी ऑर्डर प्राइमेटा क्लास मैमेलिया फाइलम या डिविजन कॉडेटा अब इसके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ फाइलम या डिविजन कॉडेटा यानी कॉर्डेटा के अंदर जितने भी स्पीशीज आएंगे ना उनके पास नोटोकॉड होंगी क्लास अब इस क्लास के अंदर जितने भी स्पीशीज होंगे ना उनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं That is why उनका नाम पड़ा ऑर्डर प्राइमेटा वो प्राइमेट होते हैं इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर का नाम है प्राइमेटर उसके अंदर जितने भी अलग अलग स्पीशीज होंगे वो सारे एक जैसे होंगे फैमिली होमोनिडी उसके अंदर बहुत जीनस होगा होमो और लास्ट में जो स्पीशीज है मैन की वो है सेपियंस ठीक है हाँ जी मैम नहीं आ रहा है अरे भाई बेटा क्लास ओवर हो जाने दीजिए क्लास ओवर हो जाएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी थोड़ी देर में और एक दो दिन के अंदर मैं कल तक आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड करा दूंगी और आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं जाना नहीं है कहीं भी भागना नहीं है चलो हाउस प्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका उसका जीनस है मस्का जो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम ऑलवेज डिनोट्स द जीनस तो यहाँ पे नाम पढ़ के ही आप जीनस सबका आइडेंटिफाई कर लोगे याद करने की जरूरत ही नहीं है होमो मस्का मैंगीफेरा ट्राइटिकम ये है जीनस का नाम फैमिली याद करना है मस्की अच्छा फैमिली आ, फैमिली में हमेशा क्लास रुको मैं बता रही हूँ एनिमल्स की फैमिली में हमेशा ई करके आएगा जैसे कि होमोनिडी मस्किडी ठीक है ठीक है तो मैंगो और वीट हो गया ना एसी, एसी करके आएगा हमेशा प्लांट की फैमिली में और सिर्फ ई करके आएगा सिर्फ एनिमल की फैमिली में ये याद रखना देखो यहाँ पे होमोनिडी मस्किडी ठीक है ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ मैंगो और बीट जो कि प्लांट किंगडम के कैटेगरीज में आते हैं उसकी फैमिली में हमेशा सी करके लास्ट में दिया होगा तो आइडेंटिफाई करने में इजी होता कि अच्छा ये फैमिली का नाम है तो कहा गए हम हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है वो है डिप्टेरा और भी अलग अलग ऑर्डर होते हैं लेपिडोप्टेरा भी होता है एक ऑर्डर ठीक है क्लास इंसेक्टा इससे पता चल जाता है कि इंसेक्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे उसके अंदर फिर ये फैमिली है ये जीनस है नॉ फाइलम है आर्थोपोडा जब आप किंगडम पढ़ोगे ना एनिमल किंगडम वाला चैप्टर फोर्थ चैप्टर उसमें आता है एक फाइलम आर्थ्रोपोडा जो बहुत ही डाइवर्स सबसे ये लार्जेस्ट फाइलम होती है इसमें जितने स्पीशीज स्पीशीज होते होते हैं उतने किसी भी फाइलम में स्पीशीज नहीं तो लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा उसके अंदर इंसेक्टा है इंसेक्टा के अंदर डिप्टेरा डिप्टेरा के अंदर मस्केडी मस्केडी के अंदर मस्का डोमेस्टिका यानी कि छोटी छोटी मक्खी मक्खी जो उड़ती है हमारे घरों में और काफी जगह पे ठीक है मैंगो के बारे में मैंगीफ इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम है Mangifera, जीरस का नाम है Anacardia, इसका फैमिली नेम है Sapindales, इसका है, Dicot, इसका ऑर्डर है Dicot, यादा है यादा है क्लास पढ़ा याद आया याद आया क्लास में आता है ये क्लास की के कैटेगरीज में आता है मोनोकॉट एंड डायकॉट डाइकॉटेंस में आता है फैमिली या फिर डिविजन जिसको कहते हैं वो है एनजीओ और किंगडम क्या हो जाएगा प्लांट किंगडम वेरी इजी राइट ट में देखो वीट क्या है एक तरह का है देखो यहाँ पे मोनोकॉट का भी दे दिया गया है ट्राइटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम है जिसमें ट्राइटिकम इसका जीनस हो जाएगा पोएसी फैमिली की वीट होती है पोएसी में फिर दाल भी आ जाते हैं पल्स भी आ जाते करके ऑर्डर है इसका मोनोकॉट की के अंदर इतने सारे ऑर्डर और, और फैमिली जीनस के अंदर ये बिलोंग करता है और ये अभी ये भी अल्टीमेटली एंजियोस्पर्मिक प्लांट है यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट है किंगडम ऑब्वियसली प्लांट किंगडम का ही ये पार्ट होगा तो ये याद रखना है आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका इसको मैं ना डबल करके स्टार लगा देती हूं अपनी एनसीआरटी खोल लीजिए और ये वाला चार्ट हमेशा याद रखिए ओके चलो तो ये हो गया खत्म सम्री तो आप लोग पढ़ ही लोगे उसमें एक टॉपिक रह गया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो टॉपिक है आपका टेक्सोनॉमिक एड्स टेक्सोनॉमिक एड्स में आ जाता है हर्बेरियम बोटानिकल गार्डन कीस म्यूजियम जोलॉजिकल पार्क फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ और कैटलॉग क्या होता है अभी बताती हूँ मैं दो मिनट रुक जाओ फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझा दू ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है टैक्सोनॉमिक एड्स। इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए यानी कि हमें अगर किसी भी स्पीशीज के बारे में जानना है उसके बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो क्या क्या तरीका है उसको जानने का किस किस वेज में हमारे आसपास कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है जिसके वजह से हम किसी भी स्पीशीज के बारे में जान सकते हैं तो सबसे पहला जो एड आता है यानी कि सबसे पहला जो आपके पास फैसिलिटी है वो है हर्बेरियम अब हरे हर्बेरियम क्या होता है हर्बेरियम में ना किसी भी प्लांट स्पीशीज को हम क्या करते हैं एक पेपर में तो खा कर, प्रेस करके उसे चिपका देते हैं साइड में कॉलम बना हुआ होता है जिसमें उस प्लांट को कलेक्ट करने का जो डेट को वो कलेक्ट किया गया उस प्लांट का बोटेनिकल नेम उस प्लांट वो प्लांट किस आ, अलग अलग कैटेगरीज की है वो वो कैटेगरीज लिखी हुई होती है जिसने उसको कलेक्ट किया है उस कलेक्टर का नाम होता है ठीक है तो प्लांट्स को कलेक्ट करके उसे ड्राई करके प्रिजर्व और प्रेस करके जब हम एक शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे शीट कहा जाता है है ठीक इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है इट्स ओके डोंट बी सॉरी एंड बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं जरा मैं देखो तो मैन ट्वेंटी 2024 के नीट के लिए हमें कौन सा बैच लेना है 2024 यानी कि अभी आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो आप लोगे यलगार बैच यलगार बैच लोगे और उसपे आपको पूरा ट्वेल्थ और आपको नीट का पूरा मटेरियल मिल जाएगा ठीक है चलिए हाँ जी तो पहला हो गया एज में हर्बेरियम, दूसरा आ जाता है बोटैनिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन आप लोगों ने कभी तो इस चीज का नाम सुना ही होगा जैसे आप पार्क में जाते हो ना वैसे बोटेनिकल गार्डन एक बड़ा सा एरिया है पार्क की तरह और उस उस एरिया के अंदर उस गार्डन के अंदर बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज प्रेजेंट होती है और हर एक प्लांट में जहां पे वो प्लांट को ग्रो uh, कराया जा रहा है वहां पर उस छोटे छोटे कैटलॉग्स में उसके बारे में मतलब सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है तो जैसे ही आप बोटानिकल गार्डन जाओगे ना वहां पे आपको लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस मिलेगा अच्छा ये दिखने ऐसा दिखने वाला प्लांट ये कहलाता है ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे प्लांट के बारे में मिल जाएगी बोटानिकल गार्डन नाम ही बोटानिक से है तो यानी कि वो प्लांट के बारे में ही होगा एनिमल्स के बारे में नहीं होगा एनिमल्स के बारे में आपको कहां से पता चलेगा जू या फिर जूलॉजिकल पार्क में जूलॉजिकल पार्क जू गए हो आप लोग कभी जू में देखा होगा आप लोगों ने अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है स्नेक्स रेप्टाइल्स की एक अलग हाउस बनी हुई होती है वहां पे अलग अलग रेप्टाइल्स की कैटेगरीज को रखा जाता है फिर मैमल्स uh, में अलग हाउस बना होता है एव्स बर्ड्स की सारी एक अलग एरिया uh, होती है वहां पे सिर्फ बर्ड्स रखी हुई होती है यानी कि वहां पे आप जाओगे तो आपको एनिमल किंगडम के मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोलकाता yes, में है बोटानिकल गार्डन वेरी ट्रू वेरी राइट आप लोग कभी कभी मौका मिले तो जरूर विजिट करना चाहिए बोटानिकल गार्डन जूज आपको बहुत कुछ वहां पे जानने को, सीखने को मिलेगा तो जुलॉजिकल पार्क समझ में आ गया इन सब जगह पे बोटानिकल गार्डन में जुलॉजिकल पार्क में आपको लिविंग प्लांट एंड एन एनिमल के स्पीशीज रेफरेंसेस मिलेंगे म्यूजियम आप बहुत ही एक अच्छा टेक्सोनॉमिकल एड है ये म्यूजियम क्यों कोई म्यूजियम गया है कभी वहां पर एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है प्रिजर्व करके यानी कि वो ऑलरेडी डेड हो चुके होते हैं पर उसे केमिकल्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि कम से कम आप उसके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख सको आप उसके बेसिक फीचर्स को देख सको और आपको उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है कभी जाना म्यूजियम तो वहां पर देखना ठीक है फिर फिर आ आ जाता है कीज़, कीज़। कीज़ जाते हैं कीज। कीज भी एक ऐसा टेक्सोनोमिकल एड है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्लांट और एनिमल को बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है अब हर एक की में ना एक uh, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ये कपलेट होता है मतलब कि हर एक की में आपको दो अलग अलग स्पीशीज के बारे में दिया हुआ होगा उससे आप उन दोनों को कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो उन दोनों के डिफरेंसेस जान सकते हो और ये क्या है एक तरह का एनालिटिकल प्रोसीजर है आइडेंटिफिकेशन का जिससे हमें समझ में आता है कि दो अलग अलग स्पीशीज अलग क्यू है डिफरेंट क्यू है तो दोनों के बीच का डिफरेंस और उस कीज के उस कीज के अंदर जो दो कपलेट है यानी कि दो अलग अलग जो स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन है वो आपस में कैसे डिफरेंट है ये एक तरह से आपको डिस्क्राइब करने का एक प्रोसीजर है कीज भी एक uh, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर आप किसी भी स्पीशीज के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बाद आ जाते हैं फ्लोरा मैनुअल्स Manuals, ये सारे एड्स हैं और ये सब में मतलब आपको फ्लोरा में फ्लोरा वर्ड ही फ्लावर से रिलेटेड है तो वहां पे आपको प्लांट के बारे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न उसका हैबिटेट कौन सा प्लांट किस जगह पे पाया जाता है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन uh, मिल जाती है मैनुअल्स में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा स्पीशीज एक एरिया के अंदर पाया जाता है फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में जो नेटिव इंडियन स्पीशीज होती है इंडिया में कौन कौन से प्लांट uh, और एनिमल की स्पीशीज पाए जाएंगे उसका पूरा लिस्ट आपको मैनुअल्स में मिल जाएगा मोनोग्राफ जो है वहां पे किसी एक टेक्सोन के बारे में एक टेक्सोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बट जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट अ टेक्सोन और उस टेक्सोन में आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाती है ठीक है चलो एक होता है कैटलॉग्स एक होते हैं कैटेलॉग्स ठीक तो कैटलॉग क्या होता है ये भी एक आ, लिस्ट होती है जिसमें हम आ, एक एरिया के बारे में पता चल जाता है हमें कि उस एरिया एरिया में कौन कौन से स्पीशीज प्रेजेंट है और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब एरिया तो पता चल ही जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कौन कौन से स्पीशीज पाए जाती है और उस स्पीशीज के बारे में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैटलॉग में मिल जाता है तो ये सारे टेक्सोनोमिकल एड्स हैं ये भी आप लोगों को याद कर लेना है अब चलते हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूं एंड वी आर गुड टू गो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन मुझे इसका आंसर बताएगा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्की दी हाउस फ्लाई फायर फ्लाई ग्रास आप ये चीज नोटिस करोगे कि एनसीआर में जिस भी बायोलॉजिकल नेम या फिर जिस भी स्पीशीज के बारे में लिखा हुआ था उसके नाम के साथ उसी के बारे में बस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आप आराम से आराम से तीन अलग अलग ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर सकते हो एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि एक ही ऐसा नाम इन चारों में से है जिसके बारे में मेंशन हुआ था एनसीआर में वेरी गुड आरिफ बहुत बढ़िया हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर वेरी गुड तोहित वेरी गुड सो आंसर इज हाउस फ्लाई गुड चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं लेकिन चलेंगे कैसे एक सेकेंड रुको मैं देखू एक मिनट बच्चों चलो ये तो सेव हो जाएगा हाँ हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो मैच द आइटम्स गिवन इन इन कॉलम कॉलम विद एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए मैं साइड हो जाती हूँ अभी मैंने आप लोगों को टेक्स्टनोमिकल एड के बारे में बताया है हर्बेरियम की म्यूजियम एंड कैटलॉग इट इज अ प्लेस वेर प्लेस है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स

चलिए गिव द आंसर फटाफट पट। जल्दी जल्दी इसका आंसर दो बाकी बच्चों को मैं देखूं ए थ्री एंड सी वन ओके ए थ्री एंड सी वन अब भी देखती हूं ए का थ्री हार्बेरियम इज अ प्लेस ड्राइड एंड प्रेस प्लांट वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है ये तो ए का तो थ्री ही होगा कि म्यूजियम सी का कोई वन बता रहा था ठीक है म्यूजियम इट इज़ अ प्लेस कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल वेरी गुड म्यूजियम इज ऑल्सो राइट वेरी गुड सोहित जानकी लकी नितिन वेरी गुड की और कैटलॉग का बताना है आपको की एंड कैटलॉग बताओ की क्या होता है एक बुकलेट होता है जिसमें लिस्ट होती है कैरेक्टर्स और उसके अल्टरनेटिव की मैंने आपको बताया था ना कि में दो लीड्स प्रेजेंट होती हैं जो अल्टरनेट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंट्रास्टिंग यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट तो की क्या है एक बुकलेट है जो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विद व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा अलग-अलग टैक्सा को वो आइडेंटिफाई करता है तो लास्ट में जो बचा वो कैटलॉग होगा कैटेग क्या मैंने बताया था आप लोगों को कैटलॉग में एरिया और उसके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसकी उसे आइडेंटिफाई करने के लिए तो दैट इज कैटलॉग वेरी गुड सारे बच्चे मेरे सही आंसर बता रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत ही ज्यादा बढ़िया चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन नेम ऑफ कलेक्टर लोकल नेम हाइट ऑफ द प्लांट मैंने अभी आपको बताया था हर्बेरियम में किस किस चीजों के बारे में लिखा होता है किस चीज के बारे में नहीं लिखा होता वो बस आपको बताना है डी वेरी गुड हाइट ऑफ द प्लांट तो प्लांट की हाइट तो वेरी करती है ना बच्चों ठीक है हो सकता है जब हर्बेरियम शीट के लिए उस प्लांट को कलेक्ट किया गया उस टाइम पे प्लांट छोटू सा था प्लांट बड़े भी तो होते हैं तो उससे हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होगा उसका बायोलॉजिकल नेम उसका लोकल नेम कि वो जिस जगह पे पाया गया था उस जगह पे उस प्लांट को क्या बोला जाता है उसके बाद जिसने भी उसे कलेक्ट किया उस कलेक्टर का नाम और किस दिन कलेक्ट किया है वहां का उस दिन का डेट ठीक है तो हर्बेरियम में ये सारे इंफॉर्मेशन होती है स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट आउट ऑफ वैम डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज बाय स्पीशीजन बाईस्टमेर फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन प्लांट सिस्टम बायोमियलिंग बाय आर एच वाइटिक इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ दो करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से आपको बताने। ये सारे प्रीवियस बतानेसर क्वेश्चन हैं आप देख रहे हो कुछ टॉपिक बिल्कुल भी डिफरेंट है तो इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में तो वहां पे फुल सिलेबस बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डी बोल रहे हैं बच्चे डी होगा क्या इसका आंसर पक्का बेटा इसका आंसर होगा ए एंड डी इसका आंसर होगा ए एंड डी डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अंस्टमेर ठीक है ये सही है पर फोटो पीरियड नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट यह बिल्कुल गलत है फोटो पीरियड पे भी रिप्रोडक्शन प्लांट की डिपेंड करती है सिस्टम वॉज गिवन बाय आर एफ विटेकर बिल्कुल गलत राइट आंसर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही चीज होती है तो ये दोनों जो स्टेटमेंट uh, है ये दोनों सही है वेरी गुड वेरी गुड कितने लोगों ने सही आंसर दिया अभी यहाँ पर तो सोहित कुमार ने सही आंसर दिया है और यहाँ पर आरिफ ने सही आंसर दिया है जैक आपका मैसेज दिख रहा है बेटा हाइट ऑफ द प्लांट आपने बताया बिल्कुल सही बताया बिल्कुल दिख रहा है मुझे आपका इज गवर्न बाय यूनिवर्सल रूल्स वन ऑफ द द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रारी टू रूल्स नॉमिन क्लेचर बताया था ना मैंने इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं नो no डाउट आपको फिर से इस साल भी क्वेश्चन इस चीज पर पूछा जा सकता है तो आप बताइए चारों में से कौन सा ऐसा

वेरी गुड सब लोग सही आंसर बता रहे नितिन सोहित जानकी इधर देखती हूँ मैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है इधर तो कोई नहीं बता रहा जैक बोल रहा है सही आंसर वेरी गुड सी द राइट ऑप्शन सी ही तो होगा इसका आंसर ठीक है किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता इट इज रिटन इन लैटिन एंड इज आईज अगला क्वेश्चन देखो द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर टमेटो एंड पोटैटो में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैक्सिमम किस रैंक तक जाएगी किस रैंक पे होगी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी बताइए इधर देख रहे हैं कौन से ही कह रहा है सी डिवीजन जीनस फैमिली हर तरह के आ गए ठीक है समझ में आ गया टोमेटो और पोटैटो का नहीं लिखा हुआ था पर मैं बता देती हूँ चलो मैं बता देती हूँ इसका आंसर होगा फैमिली इसका आंसर होगा फैमिली फैमिली के बाद क्या आता है जीनस आता है दोनों के जीनस अलग अलग है पोटैटो का जीनस है सोलेनम सोलेनम ट्यूबरोसम नाम है ना पोटैटो का पोटैटो का नाम है लिख लो कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है तो मे बी इट कैन बी रिपीटेड सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का नाम है ठीक है टमेटो का नाम क्या है ये बताइए टमेटो का नाम बताओ कोई बताएगा लाइको परसिकम एस्कुलेटम लाइको परसिकम एस्क्यूलेटम मैं हैंड रिटन लिख रही हूं तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी ये तरीका होता है साइंटिफिक नेम लिखने का तो इन दोनों का जीनस अलग है लेकिन दे बिलोंग टू द सेम फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं ये पोटेटो फैमिली को क्या नाम है पोटेटो फैमिली का सोलनेसी दोनों सेम सोलेनेसी मैंने बताया था ना कि आ, इनकी जो फैमिली का नाम होता है लास्ट में एसी करके होता है तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर दो अलग अलग जीनस हो गए सोलेनम और लाइकोपर्सिकम सोलेनम ट्यूबरोसम पोटेटो हो गया और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम हो गया टमेटो ठीक इजी समझ में आ गया चलो इधर का है चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल की इज एन एनिमलॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिमिट हार्बेरियम हाउसिमेंट बोटेनिकल गार्डनशन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है और बहुत इजी है ये बहुत ही ज्यादा इजी है सोलेनम ट्यूबरोसम जैक बेटा सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नाम है और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो का नाम है तो दो अलग अलग जीनस हो गए लेकिन फैमिली इनकी सोलेनेसी दोनों ही सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं तो ये मैक्सिमम किस लेवल तक सिमिलर होंगे फैमिली के लेवल तक सिमिलर होंगे इज राइट ऑप्शन वेरी गुड मिस खान सही आंसर बता रही है उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सोहित सही आंसर बता रहे फुलकन सही आंसर बता रहे चलो ए इज द राइट ऑप्शन फोटोग्राफ्स नहीं रखते वो लोग वो लोग प्लांट और एनिमल की रखते हैं यानी कि जो डेड हो चुके हैं उनको स्पेसिमिन बोला जाता है जिससे हम स्टडी के रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्मिकली करेक्टली नेम करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमिक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब ऑल्सो तो बताओ मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस ऑफ मलेरिया इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिरफॉरेस्ट ई को लाई डल नेम डल ने फुल नेम होगा यहाँ पर फुल नेम एंटोमीबा को लाई अमनलीक्टीरिया मिन ह्यूमन इंटरस्टाइन बताओ आपको इसमें से सबसे सही करेक्टली डिस्क्राइब कौन सा ऑप्शन है बताइए बी सही है पक्का एनिमे एनिमे सही आंसर बता रहे खान सही आंसर बता रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो पीछे वाले क्वेश्चन में बी कैसे सही है पीछे वाला कौन सा क्वेश्चन बी कहा सही है ए सही है ना म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ये करेक्ट नहीं है पूछा गया ना नॉट करेक्ट फोटोग्राफ नहीं रखते वो लोग ठीक यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन प्लाज्मोडियम पेरम ये सही तरीके से लिखा भी है और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बिल्कुल सही है बाकी गलत है मस्का डोमेस्टिका नहीं हाउस फ्लाई है, होता है। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आइसोलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली perception of events happening in the environment and their memory increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally batao iska answer bata do fatafat se socho ye sare questions aapke previous years mein puche gaye hain की को एक बार और एक्सप्लेन कर दू चलो ठीक है मान लो आपने एक की उठाई ठीक है की वहां पर जाने के बाद उस टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ने के लिए वहां पे ना आपको दो अलग अलग टैक्सोन के बारे में लिखा हुआ होगा मान लो कोई टैक्सोन है स्पीशीज कोई टैक्सोन है ऑर्डर अब आप जिस स्पीशीज का भी वो कॉन्ट्रा की उठा रहे हो ना उसके स्पीशीज के बारे में उसके ऑर्डर के बारे में सारी चीजें लिखी हुई होंगी इससे आपको पता चलेगा लीड्स होती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहां पे आंसर क्या है एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है बाकी किसी में नहीं होता मतलब लिविंग थिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है चलो मैं आपको इसका आंसर बता दू या आप बताओगे बताओ आप ही बताओ चलो बताइए आप लोग आंसर इसका आंसर होगा परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड द मेमोरी ये एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग थिंग्स का बाकी कुछ नहीं ठीक है ट मेटाबॉलिक रियक्शन को लेकर भी हम कर सकते हैं इंक्रीज इन मास फ्रॉम इन साइड ओनली ये तो ठीक है पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल बोथ ऑन सर्फेस एज वेल एज इंटरनली इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं ये एक ऐसी चीज है ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता ये लिविंग बींग्स के लिए ही सब सिर्फ एप्लीकेबल होगा

ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है आप लोग उसे बताओ ये सब सोचो नीट के एग्जाम में आ रहा है और आप लोग बोल नहीं पाते हो ऑप्शन ए वेरी गुड वेरी गुड बच्चों बहुत बढ़िया सो टाइगर so, का जो सेकेंड नेम है यानी स्पीशीज नेम बहुत होता है टिग्रिस पैंथरा टिग्रिस बहुत बढ़िया मैंने बताया ना जो जो मैं बोल रही थी कि इंपॉर्टेंट है मार्क कर लो मार्क कर लो वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है तो अब बताइए इसका आंसर जल्दी बताओ जल्दी बताओ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमिक्लेचर इंडियन कांग्रेस ऑफ कोड ऑफ बोटानिकल नॉमिक्लेचर या इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम रे क्या नाम है मतलब बोलो बोलो जल्दी बोलो ए विल बी द राइट आंसर अच्छा कोई कह रहा है मैम नाइन्थ का बी क्यों नहीं देखते हैं नाइन्थ क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इसमें आप कह रहे हो इसमें क्यों नहीं होगा? In in मान लो कोई कोई है, उसको भी हम कोई उसका mass increase कर रहे हैं. ना, कुछ भी हम कर सकते देखो परसेप्शन ऑफ हैपनिंग इन देयर मेमोरी ये सिर्फ कोई लिविंग बीइंग जो है वही कर सकता है कि उसके आसपास क्या चीजें हो रही है उसकी मेमोरी मेमोरी हमेशा लिविंग लिविंग की की ही हो सकती की हो सकती सकती है नॉन नहीं बाकी जितनी भी चीजें हैं उसे हम नॉन लिविंग में भी एक तरह से इंक्लूड थोड़ा बहुत कर सकते हैं ठीक है पर ये जो सी ऑप्शन है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग क्या हो रहा है चारों तरफ क्या क्या इवेंट्स हो रही है उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही है वो मेमोरी रिटेन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग का ही होता है और किसी का भी नहीं होता ठीक है चल ये वाला क्वेश्चन देखो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी फॉर इंटरसेक्शन विद द environment एंड प्रोग्रेसिव evaluation, रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट responsiveness टू to टच बताओ इसका आंसर बताइए मैम मैं तो अभी इलेवेंथ में ही हूं आयुष कुमार ये तो इलेवेंथ का ही चैप्टर है वो भी पहला ही चैप्टर है अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको चलो अन-एक्सेप्शनली कोई एक्सेप्शन के बिना किसी भी एक्सेप्शन के बिना आपको बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कैसे डिफर कर सकते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के साथ बताना है रिप्रोडक्शन आप बोल रहे हो अच्छा ठीक है रिप्रोडक्शन आप बोल रहे हो अच्छा मान लो कोई ऐसा इनफर्टाइल कपल है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो क्या उसको आप लिविंग कैटेगरी से बाहर कर दोगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बीइंग आपके एनसीईआरटी में भी यहाँ पर दिया हुआ है रुको मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ शुरुआत में ही है लिविंग के बाद मतलब के, के बारे में जहां पर लिखा हुआ है वहीं पर देखोगे रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग लेकिन ये इंक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी करा सकते हैं माउंटेन्स बढ़ती जाती है सैंड ड्यून्स बढ़ते जाते हैं तो क्या उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस टू टच होगा जो एक लिविंग बींग को नॉन लिविंग बींग से अलग कर सकता है विदाउट एनी एक्सेप्शन किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे ठीक है सो डी विल बी द राइट आंसर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन इज दैट दे प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देर दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जम्पला दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ पहली बात तो यहाँ बोटानिकल गार्डन है तो वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखा है कैसे रिलेट करेगा ये आप बताओगे मुझे बताओ मैम थ्योरी ज्यादा पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना भी मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और जितनी भी मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ प्लस आपको प्रैक्टिस पेपर करा रही हो समझ लो उस चैप्टर के लिए उतना इनफ होगा क्योंकि क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा दूंगी और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस पेपर में दे दूंगी ठीक है दे यस वेरी गुड सब लोग सही आंसर बता रहे हैं का सही आंसर बता रहे हैं सी इज द राइट ऑप्शन दे अलाउ एक्सू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट तो बोटानिकल गार्डन में हम कुछ ऐसे प्लांट को भी प्लांट होने की वजह से हम उसका जर्म प्लांट का कलेक्शन कर सकते हैं जिससे हम एक रिपोजिटरी रखेंगे कि वो प्लांट कभी भी नियर फ्यूचर में एक्सटिंग ना हो पाए चलो मैं तो कॉमर्स में हूँ लेकिन ये पढ़ रहा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट स्पीशीज को क्या कंसीडर करते हैं बताओ इसका आंसर बताओ बताओ सी mm आर्टिफिशियल -hmm. mm -hmm. क्या बोल रहे हो यार बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता ऐसे तो नहीं होता है इधर क्या बोल रहे हैं बच्चे इधर भी सी बोल रहे हैं लग रहा है क्लास बहुत स्लो स्लो चल रही है या कुछ तो गड़बड़ हो रहा है फोर्टीन का आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ फोर्टीन आंसर विल बी ए रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है लोएस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि किसी किसी स्पीशीज के ना सब स्पीशीज भी होते हैं तो हम लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते कंप्लीटली सही आंसर नहीं है सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा रियल बेसिक यूनिट बेसिक ठीक है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन लास्ट क्वेश्चन देख लो बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट classification of organisms based on broad morphological characters, delimiting various taxa of organisms and establishing their relationship. the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the total of various parameters from all fields of studies. identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characteristics. biosystematics may kya. एम करते हैं बायोसिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है ये बताओ किसी भी स्पीशीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शुरुआत उसकी कहां से हुई कहां से उसका ओरिजिन हुआ वहां से स्टार्ट करते हैं उसको क्लासिफाई करना ठीक है तो ये होता है बायोसिस्टमैटिक्स में एक अरेंजमेंट तो यहां पे इसके बारे में कौन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा स्टेटमेंट है सी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और स्टेबलाइजिंग उसका फाइलोजेनी ऑन द टोटल ऑफ वेरियस पैरामीटर अलग अलग पैरामीटर के बेस पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं ठीक है सो द आंसर विल बी सी गॉट इट बच्चों कहीं पर भी कोई दिक्कत है वेरी गुड सोहित राइट आंसर चल तो आई होप यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अगले सेशन में फिर से मैं एक अलग चैप्टर लेकर आऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मे बी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मे बी सम एल्स चैप्टर वो मैं आप लोगों को बता दूंगी पहले से वो आप इवेंट लग जाएगा आप लोग देख लेना एंड खुद से भी प्रिपेयर करके आना खुद से अपनी एनसीआरटी अपने नोट सब कुछ लेकर आओ अगले क्लास से मैं एनसीआर बाय लाइन ना करके आपको इम्पोर्टेंट चीजें खुद से लिख कर सारी चीजें समझाऊंगी ताकि आपको हर तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाए फाइन, चलो चलो अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे उसको सॉल्व कर लेना आज या कल तक मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली कल तक आप लोगों को मिल जाएगा उसको आप अच्छे तरह से सॉल्व कर लेना और कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो अगले सेशन में आके मुझसे डाउट पूछ लेना इस चैप्टर से okay? रिलेटेड ओके पोल सिस्टम चलो ठीक है पोल सिस्टम भी मैं कराती हूँ फाइन चलो ठीक है कराती हूं मैं अगले सेशन में पक्का पक्का आना है कोई ऑप्शन नहीं होगा जितने बच्चे आ जाए हैं उतने तो कम से कम मुझे दिखने ही चाहिए Bye bye everyone. Take care and all the best for your neat exam. Good night, good night, Vacho.